महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात की वारदात का पूरा सच क्या है? क्या रेप और मर्डर की वारदात में आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल था? क्या आरोपी संजय रॉय कत्ल के इरादे से ही अस्पताल आया था? क्या हॉस्पिटल में करप्शन के तार वारदात से जुड़े हैं? कोलकाता के निर्भया केस में सीबीआई की तफ्तीश पिछले 10 दिनों से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है और अब सीबीआई की सारी उम्मीदें आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट पर टिक गई हैं। शनिवार को डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, वही आज कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 3.5 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आरोपी संजय रॉय से केस से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि संजय रॉय के साथ ही केस से जुड़े 2 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ सीबीआई दफ्तर में किया गया। बहुत कुछ है बस। अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो संदीप घोष है उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है, मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया। अब जो टीम है वो जिन्होंने जो सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चलाया था, अब वो अपनी पूरी रिपोर्ट है उसे कंपाइल करेगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन किन सवालों पर वो नर्वस था, किन किन सवालों के जवाब गलत दे रहा था अकॉर्डिंग टू जो टेक्निकल मशीन है, और उसमें आगे किस तरीके से अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहिए। कोलकाता कांड में आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर संदीप घोष समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। इनमें 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का नाम शामिल है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले सीबीआई आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवा चुकी है, लेकिन जवाबों से संतुष्ट न होने पर सीबीआई को पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अब सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का एक साथ आकलन करेगी, जिससे सच से पर्दा उठाया जा सके। लेकिन अगर फिर भी साजिश से पर्दा नहीं उठता तो फिर रास्ता क्या होगा, ये सवाल भी उठने लगा है। अब सवाल है कि अगर सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती या फिर केस के सच से पर्दा नहीं उठता तो क्या सीबीआई आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी? कोलकाता कांड की जांच के बीच नार्को टेस्ट की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि निर्भया के गुनहगार संजय रॉय, डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 5 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट में कौन सी और कितनी सच्चाई सामने आई। पहले समझिए पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में फर्क क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन को आरोपी के शरीर से अटैच किया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सेंसर के जरिए आरोपी के शरीर से आ रहे सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी का दिमाग पूरी तरह सक्रिय नहीं रहता। पॉलीग्राफ टेस्ट में रिकॉर्ड सिग्नल के आधार पर सच और झूठ का पता लगाया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट में आरोपी बेहोशी की हालत में जवाब देता है। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी का दिमाग पूरी तरह सक्रिय होता है, ऐसे में इस बात की संभावना रहती है कि आरोपी अपने शरीर को कंट्रोल कर मशीन के सिग्नल को प्रभावित कर सके, जबकि नार्को टेस्ट के दौरान इस तरह की संभावना कम होती है। हालांकि आरोपी संजय रॉय और केस से जुड़े दूसरे लोगों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं, ये सीबीआई के रुख पर और अदालत के रुख पर निर्भर करेगा। फिलहाल सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ ही केस से जुड़े करप्शन वाले एंगल की छानबीन तेज कर दी है। इस कड़ी में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और डिप्टी प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की। संदीप घोष के करीबी देवाशीष सोम के ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में भी छापा मारा। इस ब्लॉक में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का भी ऑफिस था। बताया जा रहा है कि करप्शन के मामले में अस्पताल प्रशासन से जुड़े कई लोग सीबीआई के रडार पर हैं, लेकिन सीबीआई का सबसे ज्यादा फोकस
डॉक्टर संदीप घोष पर है। सीबीआई की टीम सुबह 6:45 पर डॉक्टर संदीप घोष के घर पहुंच गई। हालांकि करीब सवा घंटे तक डॉक्टर संदीप घोष ने घर का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सीबीआई के अधिकारी वहां से नहीं हटे। उसके बाद सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर संदीप घोष को घर का दरवाजा खोलना पड़ा। सीबीआई ने शनिवार को ही डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ करप्शन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता को लेकर गठित एसआईटी ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। जैसे जैसे डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की धड़कनें तेज हो रही हैं। जब ये घटना घटे, ममता जी ने 5 को उधर से हटाया तुरंत। एक प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 एमएसवीपी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ जी, 3 है असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर, जिन्होंने पुलिस नहीं, जिन्होंने पेरेंट्स को बोले थे सुइसाइड, उनको द्वीपायन विश्वास, 4 चेस्ट मेडिसिन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और 5 उधर 19 में जो एनआरएस में हादसा हुआ था जूनियर डॉक्टर के ऊपर असल्टमेंट एमनी पेशेंट पार्टी की तरफ से, तब से ममता जी ने हर एक हॉस्पिटल में एक पुलिस आउटपोस्ट रखे हैं। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हिस्सा रही एक महिला डॉक्टर मैडम ने जो बातें हमारे सामने लाई है, इससे हमारे सब जितने भी हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है, कॉन्सर्न है, सबके पैर के नीचे से मिट्टी सिजक गई। क्योंकि जिस तरीके का कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की, ये सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है। सीबीआई जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट के बीच कोलकाता कांड पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लफ्जों में आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की है। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। जो वो अर्जी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है, सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। कोलकाता कांड में अब तक सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है। केस की जांच कर सीबीआई पिछले 10 दिनों में कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई है। इस बीच खबर है कि करप्शन केस में डॉक्टर संदीप घोष को जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium. Thank you.